उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद की 87वीं बैठक अध्यक्ष पंडित सुनील भराला की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में संपन्न हुई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला ने कहा कि श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित पंजीकृत कर कारखानों तथा दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत पुरुष महिला कामगार पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन परिवारों के कल्याण के लिए सदैव चिंतित एवं प्रयत्नशील है। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965 के अंतर्गत गठित श्रम कल्याण परिषद द्वारा कठोर परिश्रम तथा लगन से श्रमिकों एवं उनके परिवारों के जीवन स्तर में परिषद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सुधार लाने के निरंतर प्रयास कर रही है। वर्तमान कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 8 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद द्वारा विभिन्न योजनाएं जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक श्रमिक शिक्षा सहायता योजना, गणेश शंकर विद्यार्थी श्रमिक पुरस्कार राशि योजना, ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान योजना, चेतन चौहान श्रमिक क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, श्रवण कुमार श्रमिक परिवार तीर्थयात्रा योजना तथा महादेवी वर्मा श्रमिक पुरस्कार क्रय आर्थिक सहायता योजना आदि संचालित की गई है। उन्होंने योजना के व्यापक प्रचार प्रसार पर बल देते हुए कहा कि संचालित योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। उन्होंने चेतन चौहान क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के संबंध में कहा कि 20 जून से पूर्व टूर्नामेंट कराए जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए। श्रवण कुमार श्रमिक परिवार तीर्थयात्रा योजना के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत कारखानों में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवार के तीर्थ यात्रा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को ट्रेन के माध्यम से धार्मिक यात्रा कराई जाए और श्रमिकों के हित में संचालित कल्याणकारी योजनाओं से सभी पात्रों को आच्छादित किया जाए। उन्होंने बताया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत कारखाना वाणिज्यिक अधिष्ठानों दुकानों में काम कर रहे श्रमिकों के पुत्र व पुत्रियों के प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश पाने पर हित लाभ प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ 2 बच्चों तक दे होगा। उन्होंने ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान योजना के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत कारखाना में काम कर रहे श्रमिकों की पुत्रियों तथा स्वयं महिला श्रमिकों के विवाह एवं तलाकशुदा परित्यक्ता व विधवा महिला के श्रमिकों के पुनर्विवाह हेतु 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। चेतन चौहान श्रमिक क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों तथा स्वयं श्रमिक के जिला राज्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में चयन होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर 25,000 रुपए, राज्य स्तर पर 50,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर पर 75,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता अनुमन्य है। इस अवसर पर श्रम कल्याण परिषद के सदस्य राधे कृष्ण त्रिपाठी, कन्हैयालाल भारती, अजीत जैन, मुराहू राजभर के अतिरिक्त अपर श्रम आयुक्त फैसल आफ्ताब, उप श्रम आयुक्त मुख्यालय अभिनव वर्मा, समन्वयक रिजवान, उप श्रम आयुक्त अमित कुमार मिश्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बेटा तुम जो स्थान दो आप पीछे हो मान्य सदस्य आप क्या है बदनाम हमारे मुख्यालय से महोदय और कार्यालय अध्यक्ष श्री फैसल आफ्ताब साहब का और सभी विशेष आमंत्रित सदस्यों और विभिन्न संगठनों से आए हुए पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज ये बोर्ड की 87वीं बैठक है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। बोर्ड के उनको
बैठकर उनका स्वागत भी नहीं कर रहे हैं, वो भी वर्क कर रहे हैं, दुकान पे जो काम कर रहे हैं वो भी वर्क कर रहे हैं। तो वर्करों का जो एक एरिया है या जो उनका समूह है वो बहुत अनिश्चित है और अनिश्चितता भरे माहौल में हम लोग समझ नहीं पाते कि वास्तव में श्रम कल्याण परिषद किसके लिए काम कर रहा है, संगठित क्षेत्र क्या है या संगठित क्षेत्र क्या है, ये चीज हम लोगों की जानकारी में नहीं होती। तो सबसे पहले मैं इन दोनों चीजों पर बात कर लूं। संगठित क्षेत्र मोटा मोटा एक ये है कि कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो, पीएफ वहाँ पे चल रहा हो, ईएसआई से आवत हो, यानी जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के सिस्टम कहीं ना कहीं लागू है संगठित क्षेत्र। दूसरा संगठित क्षेत्र जो किसी दुकान पे काम कर रहा है, एक या दो आदमी है, आफ्टर रिटायरमेंट या कोई उसका एक्सीडेंट हो गया या तबीयत खराब हो गई, तो ऐसी में कोई भी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है उसके पास, वो सारे के सारे लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं। श्रम कल्याण परिषद स्पेशली संगठित क्षेत्र में काम करता है, लेकिन हमारे श्रम कल्याण परिषद के माननीय सदस्यों ने इसका इजाफा या इसका दायरा बढ़ाया है, कुछ ऐसे भी एरिया को इसमें सिलेक्ट किया है जो असंगठित क्षेत्र के हैं। तो पीजी कर रही है, एमए या कुछ और कर रही है, तो उनको किताबें खरीदने के लिए 75,000 रुपये महादेवी वर्मा जी के नाम पर ये स्टार्ट हुआ है ये योजना। तो बहुत सारे हमारे श्रमिक ऐसे होंगे जिनकी बेटियां पढ़ रही होंगी, लड़कियों की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये बहुत कम हमारे पास आवेदन आए। दो योजनाएं हमारे मृत्यु अंत्येष्टि से संबंधित है, कोई श्रमिक 60 साल से पहले डेथ हो जाती है, इसमें समस्या क्या आई है रिजवान जी? सर इनकी रिपोर्ट जो है, पंकज जी की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से इनका कहना है कि ये लोग आवत नहीं हो सकते। इन्होंने अधिनियम का रेफरेंस दिया है और इन्होंने कहा है कि एक्ट में कहीं पर भी श्रमिक शब्द यूज नहीं हुआ है, हर जगह पर जो कहा